भाई नमस्ते। मैं आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज इस ब्लॉग के अंदर मैं माधोपुर के बड़ा राजबाग है उसको दिखा रही हूँ, और इस पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा मंदिर भी है उसको भी दिखाऊंगी। प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, और अगला वीडियो कैसा चाहिए प्लीज़ ज़रूर बताए कमेंट में। ये पहाड़ों का नज़ारा देखिए आप लोग। नहीं वो तो ऊपर से नहीं भूत नहीं आ जाएंगे, नहीं चढ़ जाएंगे। ये नज़ारा है माधोपुर के पहाड़ों का, बहुत ही सुंदर लग रहा है। पहले मिलते थे कि पत्ते देखने को। यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर भी है, बहुत ही सुंदर। इधर को गौशाला है, पहाड़ों के बीच का नज़ारा एकदम शांत वातावरण, सब लोग बढ़िया एंजॉय करते हैं। आपको भी बहुत मज़ा आएगा वीडियो देखने में। ये बजरंगबली बाबा का मंदिर है, बहुत सुंदर है। ये पुजारी है, ये माधव जी बाबा का मंदिर है। बड़े दर्शन करिए, ये बजरंग बली बाबा का मंदिर एकदम। इधर वो पहाड़ों के नजारे, सच्चे मन से जो कोई धावे उसका बेड़ा पार हमारे बंदर देवता यहाँ पर गौशाला है, बहुत ही प्यारे। देखो बंदर, हमारा स्टैंडर्ड बंदर है भाई, बाइक चला रहे। अब आपको गौशाला अंदर से ही दिखाएंगे, पहले हम बाहर से दिखा रहे थे। बच के दिखा रही हूँ मैं, देखो कैसे ये गौशाला है यहाँ पे। बोरिंग वगैरह सब है, पकड़ तो सही थी, मैं पानी पी लूँ, मेरे को प्यास लग रही है। वाह कितना सुंदर लग रहा है एकदम। ये बाहर का माहौल दिखा रही हूँ आपको अभी। रात का खाने मिल गया था ना उनका, फोन में तेरे को पकड़ाया रात का बज गया था। ये पीछे में पड़ गया, ये आपको दिखा रही हूँ मैं। ये तो है वहाँ से, घर से आती है रोज यहाँ पे शाम को। देखो कैसे चल रहा है, गवर्नमेंट का है उनका ही है, इनने उसकी डेयरी खोल ली यहाँ पे। बारू मंदिर है जिसमें आपको दर्शन कराए थे हम लोगों ने। हाँ क्या बेटा, देख ताऊ जी तो समझ गया, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ना बैठे हुए। यहाँ पर आज रामायण हो रही है, रामायण पाठ बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, सब दर्शन के लिए आए हैं यहाँ पर। हरि ओम विधिवत गाति जोरि ओम लाली।